चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है और मैं भारती सर पटना बिहार से आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके पहले चैप्टर के ऊपर में जिस चैप्टर का नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियां यानी हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो फाइनली इस चैप्टर के ऊपर में 8 वीडियो जो है वो बना कर करके और प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी करने वाले अगर विद्यार्थी हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, तो आप ध्यान देंगे हमारी बातों को कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। और अगर आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल होगा, तो सभी के वीडियो जो है आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। अभी पॉलिटिकल के वीडियो नहीं डलाए हैं, कुछ दिन के बाद डलाने लगेंगे निरंतर। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप YouTube पे आ गए हैं तो आपको कहीं किसी भी चैनल पे जा करके या उनका कोर्स खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐप पे फिजियल का 400-500 रुपया दीजिएगा, पता चलेगा कि 2-3 वीडियो, 2-3 चैप्टर अच्छे पढ़ाए गए हैं, उसके बाद से झोल मोल कर कर करके किसी तरह से वो लोग 3-4 महीना के बाद, ये बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होता है कि जब भी कोई ऐप पे लॉन्च करेंगे कोई भी कोर्स तो वो 2-3 महीना हो सकते हैं या 2-3 चैप्टर हो सकते हैं आपको अच्छे पढ़ाएंगे, उसके बाद 3 महीना के बाद उनका सेटिस्फेक्शन उस पैसे से कम जाता है, तो फिर वो नया कोर्स लॉन्च करते हैं और नए कोर्स पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। आप 3-4 महीना के बाद पढ़ोगे तो उसमें कोई आपको लगेगा ही नहीं कि टीचर जो है वो एक्टिव होकर के पढ़ा रहे हैं। तो हम यहां ये आपको सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि यहां पे आपको तो 1 रुपया लग नहीं रहा है, तो आपके लिए हम पूरा एनसीईआरटी का जो एकदम बेस्ट कंटेंट होता है, जहां पे एनसीईआरटी के वर्डिंग में भी अगर माइनर मिस्टेक हुआ होगा उसको भी हम प्रॉपर सुधरवा कर करके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो है इसी चैनल में हम प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं सभी चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके। तो आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं, 1-2 पार्ट्स को देखेंगे, अगर आपको समझ में आता है बुक्स निकालेंगे और बुक्स के ही ऊपर में जो डिस्कस बात होंगे ना उसी को आप देखेंगे, आपको लगता है कि नहीं बुक्स के बातों को एकदम सरलता से पेश किया गया है, आपको समझ में आता है, तो आपको कहीं 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप अब परिस्थितियों को कोसना बंद कर दीजिए, अब आप यहां पे आइए, फ्री में आप स्टडी करिए, ठीक है। तो चलिए आज के अब हम वीडियो सेशन को करते हैं सर स्टार्ट। देखिए आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात, हम वीडियो पिछले वीडियो सेशन की बात कर ले कि क्या पढ़ा दिए थे आपको। तो हम यहां पे बताए थे, थोड़ा फिगर बढ़िया से देख लेंगे, ये बता दिए थे कि इधर ये जो देख रहे हैं ये सिंधु नदी आ रही है, अरब सागर में गिर जा रही है, और सिंधु नदी के उप नदी जिसको कहते हैं रावी, ये रावी है, और रावी के इधर दाहिने साइड में एक देखेंगे, यानी रावी के नदी से अगर देखेंगे तो इधर बाएं साइड हो गया, इस जगह को कहते हैं हड़प्पा, जो कि यहां लिख दिए। और यही सिंधु नदी के इधर साइड में ये मोहनजोद्रो, इधर साइड में सरजी, ये क्या है तो चाणहुद्रो है, ठीक है, ये सिंधु का भाग है। इसके बाद याद रखेंगे ये पूरे हड़प्पा का सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं सुतकांगेडोर, चलो ये इधर है बलूचिस्तान के क्षेत्र में, और इधर ध्यान देंगे गुजरात के कॉर्नर पर है ये लोथल। तो ये पूरा का पूरा सभ्यता है जिसको कहते हैं हम हड़प्पाई सभ्यता। पहले वीडियो सेशन में बात कर ली कि क्यों इसको हड़प्पाई सभ्यता कहा जाता है और क्यों हम लोग इसको सिंधु घाटी की सभ्यता किस संदर्भ में करते हैं, तमाम तरह की चीजें हम लोग देख लिए। चूंकि देखिए हम जितना भी आपको इतिहास पढ़ा हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो लगभग इतिहास के अधिकांश 70% 80% के जो बात होगा ना सर वो एविडेंस के तौर पर होगा, विदाउट एविडेंस के यहां पे कोई फिजियल चर्चा हम नहीं करते हैं सिलेबस से संबंधित, ठीक है, एग्जांपल को छोड़ करके, चलिए ये ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा हड़प्पाई सभ्यता था। अब हम लोग पिछले वीडियो में क्या देख रहे थे कि ये चाणहुद्रो है जो पूरे हड़प्पा का औद्योगिक नगर है, और चाणहुद्रो में मनके बनाने की कारखाना हुआ करते थे, लेकिन सिख ये रहे थे कि इन मनके बनाने के कारखानाओं में चूंकि छोटी बस्ती थी, मात्र 7 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर है, तो यहां पे अलग अलग तरह के धातु के पत्थरों के मनके जब बनते थे तो सभी धातु पत्थर यहां उपस्थित नहीं होते थे, यानी इनके इंडस्ट्री के लिए जो कच्चा माल होता था वो चाणहुद्रो में अवेलेबल नहीं होता था। तब यहां पर ध्यान रखेंगे कि चाहे चाणहुद्रो हो या फिर अलग जगह पर और भी जहां पर वस्तुएं आयात निर्यात, चूंकि हड़प्पा पढ़ रहे ना तो विदेशी
व्यापार होगा। तो यहां पे कच्चे माल आते कहां से था, तो कुछ कच्चे माल चानहुदरो के स्थानीय क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे मान लेते हैं कच्ची मिट्टियों की बात कर ले तो मिट्टी को ला करके पका करके और मनके बनाते थे। कुछ उपमहाद्वीप से आते, उपमहाद्वीप में जैसे अफगानिस्तान का सोरतुख है, इसके अलावा हड़प्पा का और जो क्षेत्र है या तो अब पाकिस्तान के बेल्ट से आ जाए चाहे भारत के बेल्ट से आ जाए, सोरे बात ना, तो इधर क्षेत्र से कोई भी अगर पत्थर आ रहा है जैसे सेल खड़ी वगैरह पत्थर है, कौन कौन कहां से आते हैं ये सब हम लोग वीडियो सेशन में बात करते आ गए हैं। तो ये अगर इधर वाले बेल्ट से अगर ला रहे हैं तो इसको कहते हैं कि उद्योग धंधों में ये उपमहाद्वीपों से लाते थे। कहां से लाते थे? उपमहाद्वीप। तो यहां तक हम लोग बात कर लिए और आज मेन एनसीईआरटी का टाइटल को समझेंगे, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, याद रखेंगे। तो जब हम उपमहाद्वीप को छोड़ देंगे तो इसके बाहर से भी मेसोपोटामिया से व्यापार जो करते थे, तो इसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है आपके बुक में, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। यानी याद रखेंगे इनके सभ्यता में ही अलग अलग जगह पे लोकल लोगों से या फिर हड़प्पा सभ्यता के आने वाले प्रमुख स्थल के उन इलाकों से ही संपर्क नहीं था, इनको दूर दराज उस समय जो सभ्यता था उससे भी इनका संबंध था, ये कहीं ना कहीं उनसे संपर्क साझा करते थे। आइए कुछ एविडेंसों के आधार पर बात करेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेसोपोटामियाई लोगों से संबंध जो है वो रखते थे, उनसे संपर्क साझा करते थे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए, आप पिछले वीडियो से देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा सर कि ये अरब सागर है और ये अरब सागर के रास्ते इधर जाएंगे, ये फारस की सागर है, फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी के रास्ते हम मेसोपोटामिया जा सकते हैं। मेसोपोटामिया में ऊर है, उरुक है, ये सब क्षेत्र आपका मेसोपोटामिया का है। इसके अलावा बेबीलोन वगैरह हम लोग 11th में पढ़े थे, सब यहीं आ जाएंगे। ये जो भाग देख रहे हैं ये भाग है हमारा प्रायद्वीपीय वाला भाग, याद रखेंगे कौन सा भाग है, प्रायद्वीपीय वाला। और प्रायद्वीपीय वाले आपके बुक्स में नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी बुक रखते हैं तो इसको यहां पे दो वर्ग में डिवाइड कर लेंगे, वीडियो लेक्चर्स खत्म हो जाएगा तो। और इधर से बाएं साइड में इधर याद रखेंगे, यानी ये सर जी ये प्रायद्वीपीय इलाका है टोटल, और इस प्रायद्वीपीय इलाका के दक्षिण और इधर बात करेंगे तो पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम भागों में यमन है और दक्षिण पूर्वी वाले भागों में ओमान है। तो इसको आप ऐसे डिवाइड कर करके लगभग ऐसे 20 से स्ट्रक्चर बना के कर लेंगे कि इधर ओमान और इधर यमन, ताकि आज के भी सेशन को समझने में आसान हो जाएगा। चलिए ये जो ऊपर में हल्का सा जा रहे हैं ये जो जगह है सर ये दिलमुन है, याद रखेंगे ये क्या है, दिलमुन है। इसके अलावा इधर जो अरब सागर था वो इधर आ जाती है और इधर अगर हम इसी सागर के रास्ते आगे जाएंगे तो ये है हमारा लाल सागर, इधर में अफ्रीका का भाग है। तो मैप हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, वही ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है। तो इधर की चर्चा नहीं है, इधर की चर्चा है। तो आखिर इधर से ये लोग व्यापार करते थे और कैसे, आज हम लोग कुछ एविडेंसों के माध्यम से भी जानेंगे। कहते हैं कि ध्यान में रखेंगे बात को, संभवतः तांबा जो है ना सर वो आते थे दूसरे क्षेत्र से। अब संभवतः तांबा आते कहां से थे इसको समझना है, अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण छोर से, ये ध्यान में रखेंगे, अरब प्रायद्वीपीय के कैसे छोर से, तो दक्षिण छोर, ये आपका अरब प्रायद्वीपीय है। और यहां पे जब आप बुक उलटिएगा तो थोड़ी सी बात यहां पे आपको समझना होगा कि दक्षिण किसी किसी बुक्स में, अब एनसीईआरटी के हम काफी सारे बुक्स देखे हैं, अधिकांश जो बुक देखे हैं उसमें क्या दिया हुआ है, इस ओमान को लेकर के ये इंडिकेट कर रहा है कि दक्षिण, याद रखेंगे तो ये आपका प्रायद्वीपीय इलाका है। देखिए अरब प्रायद्वीप, तो पूरा ये अरब प्रायद्वीप है। अब बुक में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक क्या है कि ये अरब प्रायद्वीप के ओमान जो है ये इधर पड़ता है, इधर का मतलब पूरब, लेकिन मिस्टेक से एनसीईआरटी में दक्षिण पश्चिमी लिखा गया है। किसी किसी नए अपडेट वाले जो एनसीईआरटी है उसमें देखे थे तो ये दक्षिण पूर्वी है लेकिन किसी किसी में दक्षिण पश्चिमी है। तो आप अपने बुक में होंगे या फिर पीडीएफ से अगर आप स्टडी करते होंगे तो देख लीजिएगा। हम तो आपको एक सजेस्ट करेंगे कि मात्र 90 रुपया में इसका बुक आता है एनसीईआरटी, वो ले ही लीजिएगा आप। चूंकि अगर हम आपको ऐसे करते हैं कि बाबू ये आपके बुक्स में नहीं है, अगर ऐसे करा के आपकी सरलता के लिए, सुविधा के लिए यमन और ओमान कराएंगे तो आप कैसे कर पाइएगा पीडीएफ में,
पीडीएफ में कैसे एडिट करिएगा, पीडीएफ में यहाँ पे दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी माइनर मिस्टेक है, इसको हल्का सा है, जब सुधरवाएंगे तो आप कैसे करेंगे। आपके बुक्स में बहुत सारे तरह के फिगर है और फिगर में कुछ कहेंगे कि घेर करके लिख लीजिए कि ये होता है, तो आप पीडीएफ में कैसे कर पाइएगा। तो मात्र 90 रुपया का जो है वो बुक है उसको ले लीजिएगा और देखेंगे पीडीएफ में आप घंटे दो घंटे स्टडी नहीं कर सकते हैं, आंख दर्द करने लगेगा, बोर हो जाइएगा, लेकिन बुक्स रहेगा तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए कंजूसी नहीं, यूट्यूब पे फ्री में क्लास मिल जा रहा है तो 90 रुपया के बुक खरीदने में क्या आपको क्या है, चलिए ध्यान में रखेंगे, बाकी आप पे हम छोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान में रखेंगे सर जी, ये आप समझ गए मैप को, अब हम लोग मेन पे आते हैं। ये कर लीजिएगा दक्षिण, ये इधर जाएंगे तो पूरब, तो अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूरब में याद रखेंगे पूर्वी जो छोर है यहीं पे ये जगह क्या है, ओमान। देखिए हमने लिखा यहाँ पे ये क्या है, ओमान। चलिए ये मैप हम देखेंगे, ये ओमान है, तो यहीं से याद रखेंगे संभवतः ये लोग तांबा लाते थे, ये संभावना व्यक्त करते हैं। अब कहेंगे कि संभावना आप भी लगा रहे, नहीं, एविडेंस है, अभी ध्यान में रखेंगे ना। अब देखेंगे कहते हैं कि रासायनिक विश्लेषण के द्वारा, अब जो भी केमिकल के बारे में ध्यान से सुनेंगे, रासायनिक जो विश्लेषण करने वाले जो विद्वान वगैरह है, वो लोग का कहना है कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पूरा वस्तुओं में, ध्यान में रखेंगे ओमानी तांबे के भी बर्तन और हड़प्पा के जो पूरा वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुएं के रूप में ये बात आपका बुक्स कह रहा है कि इन दोनों में एक धातु मिला है, इसको कहते हैं निकल। याद रखेंगे कौन सा रासायनिक धातु है, तो निकल है, निकल एक रासायनिक धातु होता है, इसमें आप लोग दसवां में तो पढ़ के आए हैं ना, Ni इसका होता है, सूचक रासायनिक सूचक वगैरह ये सब सिंबल वगैरह पढ़ते थे, तो वहां इसका सूचक क्या होता है, सिंबल Ni, निकल का क्या होता है Ni, तो ये याद रखेंगे दोनों वस्तुएं में, ओमानी के तांबे के वस्तु जो मिले हैं उसमें और हड़प्पाई पूरा वस्तुएं में भी जो तांबे के बर्तन होते हैं वो दोनों में क्या मिले हैं, तो निकल मिला है। इससे ये पता चलता है कि जरूर इधर से लोग इधर और इधर से लोग इधर होता है, तो एक एविडेंस के रूप में हम संभावना व्यक्त कर करके और कहते हैं कि जरूर इधर व्यापार होता है। चलिए दूसरी बातें कहते हैं संपर्क के संकेत, कैसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से संपर्क था, यानी हड़प्पाई वाले लोग ओमान जाते और ओमान वाले लोग हड़प्पा आते थे या फिर वस्तु की खरीद बिक्री करते थे, तो इसके लिए एक एविडेंस के तौर पर लिया गया है जिसको कहते हैं हड़प्पाई मर्तबान, ध्यान में रखेंगे हड़प्पाई मर्तबान। अब हड़प्पाई मर्तबान क्या होता है सर, तो देखिए ये हड़प्पाई मर्तबान का चित्र हम आपके सामने लगा दिए। अब ये जो आपको बर्तन दिख रहा है ये बाहर से पूरा ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा होगा, काला है, देखिए ध्यान में रखेंगे। अब इस काले की बात कर ले तो थोड़ी सी ध्यान रखेंगे हमारी बातों को कि इसमें काले मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई जाती थी। कहोगे कि मोटी परत क्यों चढ़ाई जाती थी इसके आगे में, तो देखिए संभावना व्यक्त किया जाता था कि इसमें कोई तरल पदार्थ रखा जाता होगा। अब ये तरल पदार्थ क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं और आपके बुक्स भी कह दिया है कि ये तरल पदार्थ क्या है, इसकी खोज इसकी स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन जरूर इसमें तरल पदार्थ ही था, तरल पदार्थ का साक्ष्य भी मिला है। तो ये तरल पदार्थ क्या है, जैसे आज हम लोग बॉटल में अगर रखे तो होता है ना कि ये पानी है कि ये शराब है, ठीक है, तो उसी तरह से तरल पदार्थ मिले हैं, लेकिन तरल पदार्थ वो शराब था कि क्या है, उसका क्या यूज होता था, इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि तरल पदार्थ को रखा जाता होगा इसमें और इसीलिए बाहर में काली मिट्टी का मोटी परत जो है वो चढ़ाई गई है। किस लिए भाई, ताकि इसका रिसाव ना हो सके, क्या नहीं हो सके, रिसाव नहीं हो सके। ध्यान रखेंगे इसमें क्या रखे जाते थे, तरल पदार्थ, और तरल पदार्थ का रिसाव ना हो जाए इसीलिए इस बर्तन के आगे काली मिट्टी को लेकर के और मोटी क्या बना दी जा चढ़ा दी जाती थी, परत। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, ये बर्तने मिले कहां से थे, तो ये बर्तने ओमानी स्थलों से मिले हैं। देखिए कहां से मिले हैं, ओमानी स्थलों से, और बर्तन कहां का है सर, तो ये हड़प्पा का है। यही तो मेन लॉजिक होता है, समझना होता है कि हड़प्पाई के मर्तबान, ध्यान से सुनेंगे, यानी हड़प्पा के ये बर्तन बने और मिले कहां से हैं, तो ओमान के स्थल से। तो क्या हम बुड़बक है नहीं जान सकते हैं कि आन जान जरूर रहता होगा, तो ये हम लोग देख लिए। एक
संपर्क के संकेत आपको मिल गया कि हड़प्पा के मर्तबान यानी हड़प्पा के बर्तन और है कहां पे, तो ओमान के स्थल पे मिला है। चलो एक जो है पता चल रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि यहां से हम लोग संपर्क रखते थे। तो हो गई ना, ये हमारे उपमहाद्वीप में थोड़ी ना है। तो ये बताओ यहां हमारी उपमहाद्वीप में ये ओमान नहीं है, तो दूर से हम लोग संपर्क रखते थे कि नहीं, तो बिल्कुल रखते थे। चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व को शॉर्ट में हमने यहां पे बीसी लिख दिया है, बिफोर क्राइस्ट होता है, आपको पहले ही सीख लेना चाहिए था। चलिए ध्यान में रखेंगे। अब फंस जाते हैं बच्चे यहां पे आकर के जब अपने से स्टडी करते हैं तो, कि तीसरी शताब्दी का मतलब वो समझते हैं कि ओ तीसरी शताब्दी की बात कर रहा है। और जब हम तीसरी शताब्दी की अगर बात कर लेंगे तो पता है आपका मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं कि 321-22 के दौरान मौर्य वंश की नींव पड़ती है, तो वहां पे जो देखेंगे वो चौथी शताब्दी रहती है। और तीसरी शताब्दी का मतलब हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य सब का शासन जो है कि खत्म हो जाएगा, अब अशोक वगैरह ये सब आएगा, तो वो समय आ जाएगा। लेकिन हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं, यहां याद रखेंगे तीसरी शताब्दी का अर्थ होता है, सर आप बुक्स में ऐड कर लीजिएगा, बाद में भी कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको कहते 3000 BC, याद रखेंगे 3000 BC। तो ये 3000 ईसा पूर्व की बातें हैं। और जब 3000 ईसा पूर्व कह दे सर, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग के यहां उस समय में हमारे यहां 3200 ईसा पूर्व यानी BC से लेके आपको पढ़ाए हैं, याद रखेंगे 2600 ईसा पूर्व के अगर बात कर ले, 2600 ईसा पूर्व BC, तो ये हमारा आरंभिक हड़प्पा का समय काल था। और 2600 से लेकर के 1900 बात कर ले तो हड़प्पा का ये जो समय काल है, टाइम पीरियड है, ये विकसित हड़प्पा का भाग है। तो ये ध्यान में रखेंगे, लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले की जो है वो बातें यहां पे स्पष्ट की जा रही है कि मेसोपोटामिया में एक लेख मिला है। कहां मिला है? मेसोपोटामिया। अभी हम लोग अपने यहां से ओमान की बातें कर लिए, अब अपने यहां से ये मेसोपोटामिया की बात कर लेंगे। और ये मेसोपोटामिया यहां पे एक आपको क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक दिया है, और ऐसे क्वेश्चन आपके थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी देते रहता है। चलिए डील कर देंगे। आप जैसे ही बुक को निकालेंगे तो नीचे में लिखा रहेगा, अगर नहीं भी है बुक्स तो हमारे बातों को सुनिए, चर्चा कीजिए, चर्चा करिए हड़प्पाई क्षेत्रों से ओमान दिलमुन तथा मेसोपोटामिया तक कौन से मार्गों से जाया जा सकता था। आप ये बात आपसे कह रहा है, प्रश्न आपको सोचवा रहा है कि आप चर्चा करिए कि ओमान हो दिलमुन हो और मेसोपोटामिया हो, ये तीनों जगह पे जाने के लिए हड़प्पा क्षेत्रों से कौन से मार्गों से जाया जा सकता था। तो जब मैप पे पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्न में जान रह जाएगा, बाकी लोग बगवाते रहेगा कि कैसे जाएगा, स्थले मार्ग से जाएगा कि जले मार्ग से जाएगा, लेकिन जो मैप देखेगा वो समझ जाएगा। ऐसे जब जाएगा तो इनको हिंदू कुश पर्वतों को पार करते हुए इधर से काफी लंबा टूर हो जाएगा, लेकिन ये हड़प्पा वासी तुरंत ये लोग बड़े बड़े नाव निकालेंगे और ये दिलमुन चले जाएंगे और ये मेसोपोटामिया चले जाएंगे, और ओमान जाना है तो और पास में ही आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे, कौन से मार्ग प्रचलित होगा, तो जलमार्ग प्रचलित होगा। चलिए सभी चीजों को देखते चलेंगे बीच बीच में। अब यहां समझिएगा हमारी बातों को, 3000 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया में एक लेख है, ये याद रखेंगे। मेसोपोटामिया कहां है ये इसकी स्थिति देख लेंगे, इधर से जाएंगे तो ये सोर्तुखई अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान सीमा लगा देगी आगे ईरान से, और ईरान अपना सीमा लगा देगी मेसोपोटामिया यानी सॉरी इराक से, और इराक की ही सभ्यता है मेसोपोटामिया। कई बार तो प्रश्न ही ऐसे आ जाता है कि वर्तमान समय मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस देश की सभ्यता है, तो याद रखेंगे इराक की। तो ये स्थल मार्ग से जाएंगे, काफी सारे देशों को पार करके जाएंगे, समस्या ज्यादा है, और इधर से जाने में एकदम आसानी है, तो जल मार्ग से जाएंगे। ठीक है, यहां समझ में आ गया। और यही मेसोपोटामिया के लेखों में याद रखेंगे एक शब्द मिलता है मगान। क्या मिलता है? मगान। और मगान शब्द का ये आशय स्पष्ट किया जाता है कि मगान जो है वो ओमान जैसे जगह जो है स्थल है, इसके बारे में संभावना व्यक्त किया जाता है कि ओमान के लिए, ओमान के जो क्षेत्र है यानी ये पूरा जो एरिया है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जिसको कहते हैं मगान। बात को समझेंगे। और यहां मेसोपोटामिया में भी निकल के अंश मिले हैं, याद रखना है आपको कि जैसे अभी बताएं कि ओमान में और हड़प्पाई पूरा वस्तु जो है, हड़प्पाई के जो भी वस्तु
बर्तन वगैरह है उसमें याद रखेंगे क्या मिले हैं, तो निकेल का प्रमाण मिला है, निकेल रासायनिक धातु का। लेकिन अब हम कह रहे हैं यहां पे और भी बुक्स में है कि यहां के अलावे मेसोपोटामिया के भी बर्तन में निकल के प्रमाण है, तो इससे जाहिर नहीं होता है कि यहां भी बर्तन में निकल, यहां भी बर्तन में निकल और अपने यहां भी बर्तन में निकल, यानी कहीं ना कहीं ये सभी जगह से हमारे यहां के लोग आते जाते थे, संपर्क रखते थे। पता है यहां तक किसी को कोई डाउट है, समझ में अगर आ रहा होगा तो कमेंट भी करिए, बता नियन पढ़ के भाग जाते हैं पते नहीं चलता है। चलिए ध्यान से सुनिए, दिल से जुड़िए ताकि हम डेली आए और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करें। चलिए ध्यान में रखें, अब कहते हैं कि मेसोपोटामिया की ही बात चल रही है कि यहां पे हड़प्पाई मुहरे, यहां पे बाट पासे तथा मनके का भी साक्ष्य मिला है, यानी जो मुहरे हमारे यहां होते थे वो मुहरे का साक्ष्य कहां मिला है हमको, तो मेसोपोटामिया में। हमारे यहां भी जो है ना बाट वगैरह होते थे, बाट वगैरह पढ़ाए थे हम आपको, जिसमें वजन उजन करने के लिए स्क्वायर टाइप के पत्थर के बनते थे काट कर करके, और ये सारा अटिंग कटिंग का जो काम है ना, मोहर बनाना, बाट बनाना, मनके बनाना, ये सब हमारे यहां औद्योगिक नगर चनहुद्रो में होता रहता था, तो ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब बात कर ले मेन चीजों को, ध्यान से सुनेंगे, ये समझ में आ गया कि मेसोपोटामिया में बर्तनों में भी निकेल मिले हैं, साथ साथ बाट है, पासा है, मनके है, हड़ा हमारे यहां वाला, ये सब यहां मिले हैं। तो यहां से समझ में आपको आ रहा है कि मेसोपोटामिया से भी ये लोग जो है व्यापार वगैरह करते होंगे, ठीक है, संपर्क रखते हैं। अब यहां पर दो शब्दों पर फोकस करेंगे, मेसोपोटामिया में भी याद रखेंगे दिलमुन, दिलमुन याद रखेंगे, ये दिलमुन जिसको आज के डेट में अगर बात कर ले तो ये बहरीन द्वीप है, याद रखेंगे कौन सा द्वीप, बहरीन द्वीप, और ये जगह याद रखेंगे दिलमुन जो ओमान से हल्का सा ऊपर का भाग है, यही फारस की खाड़ी के एकदम बगल में है। तो ये दिलमुन के बारे में बात कर रहे हैं, जो संभावना व्यक्त किया जाता है कि संभवतः बहरीन द्वीप, ध्यान से सुनेंगे, कन्फर्म नहीं किया जा रहा है, बहरीन द्वीप का अनुमान लगाया जा रहा है। ये दिलमुन के लिए ही मगान शब्द का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, यहां पे अभी देखें कि ओमान के लिए भी मगान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, कहां के लोग, तो मेसोपोटामिया के लोग। ये हम स्पष्ट कर दें कि अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, तो मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया के लोग जो है ये याद रखेंगे मगान शब्द का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, तो एक तो देखें कि ओमान के लिए भी कर रहे हैं और साथ साथ दिलमुन के लिए भी कर रहे हैं। और एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मेलुहा, याद रखेंगे क्या कहते हैं, मेलुहा। तो मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा एक शब्द मिला है, और इस शब्द की जब इतिहासकार पुरातात्विक लोग जब पुष्टि करते हैं तो पता चलता है कि ये जरूर हड़प्पा के जो क्षेत्र वाले हैं, इन हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए मेसोपोटामिया के लोग जो है जो नाम देते थे वही है नाम मेलुहा, यानी जिस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये वो लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता नहीं कहते हैं, याद रखेंगे। वो लोग हम लोगों की सभ्यता का क्या नाम देते हैं, तो मेलुहा देते हैं। तो दो बातें याद रखेंगे, मेलुहा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो मेसोपोटामिया में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए कौन शब्द का इस्तेमाल होता था, मेलुहा। बाकी मगान और ये याद रखेंगे, ओमान और दिलमुन के लिए तो मगान शब्द का इस्तेमाल होता था। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मेसोपोटामियाई मिथक, अब यहां पे भी बच्चा फंस जाता है इसको पढ़ता है तो, कि मिथक का मतलब क्या होता है, मिथक का मतलब मिठाई उठाई नहीं समझ जाएंगे। मेसोपोटामियाई मिथक, मिथक का मतलब जो होता है कि वहां जो परंपरा के रूप में जो बातें चलते रहती है उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपने भारत में ही अलग अलग राज्य को लेकर के अलग अलग लोग उसके बारे में सोचते हैं। जैसे अगर मान ले हम बिहार से हैं तो कोई हमारे बारे में यह भी सोच सकते हैं कि बिहार वाले सर जी हैं अगर जो बाहर से देख रहे हैं वो, तो ये चलिए वो थोड़ा सा लाइट कट गया था, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम गमछा उमछा रखते हैं, तो कई लोग ये भी सोच लेगा ये गमछा को लग करके कि आगे वीडियो में बोलते हैं कि मैं पटना बिहार से आज गमछिया रख ले हैं, तो हो सकता है कि एकदम जो है से कि एक भाव आ जाता है कि बिहार वाला आदमी गमछा रखता है और बिहार वाला आदमी जो है ना वो लिट्टी चोखा खाता है। तो ये कैसे अलग स्टेट में एक बिहार को लेकर के कहावत हो जाता है, ठीक उसी तरह से मेसोपोटामिया के लोग हमारे बारे में क्या कहते थे उसके ऊपर में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं कि मेसोपोटामियाई मिथक का मतलब अब समझ में आ गया, यानी वहां वो परंपरा है, ये जरूरी नहीं है कि वही चीज होता होगा, समझ रहे बात ना। अब बिहार में लिट्टी चोखा खान पर एक मतलब क्या कि बिहार के सभी आदमी को लिट्टी चोखा बढ़िया लग रहा है,
काफी सारे लोग को नहीं वो लगता है क्या बिहार में सब आदमी हम शौक से गमछा रख लिए तो सब आदमी का गमछे रख ले है कोई यहाँ उसनों तरह के आदमी है। तो ये एक ध्यान में रखेंगे जो एक परंपरा होता है ना कि एक जगह के लोग दूसरे जगह के बारे में क्या सोचते हैं तो वही चीज़ कह रहे हैं कि मेसोपोटामियाई मिथक का कहना है। अब देखिए ये क्या कहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, ध्यान रखेंगे बात को, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो उसकी आवाज राज प्रसाद में सुनाई दे। अब यहाँ पे दो बात ध्यान में रखेंगे, एक है हाजा पक्षी और दूसरा है आपका राज प्रसाद। राज प्रसाद का मतलब हम लोग समझेंगे कि जो राजमहल की बातें कही जा रही है कि तुम्हारा जो पक्षी है वो हाजा पक्षी है और उसकी जो आवाज है वो राज प्रसाद यानी राजमहल में सुनाई देता है। तो हाजा पक्षी के बारे में इतिहासकार जो है ना ढूंढने का प्रयास किया लेकिन इसमें तमाम तरह के जो एविडेंस नहीं मिल पाया तो ये केवल स्पष्ट किया गया है कि हाजा पक्षी जो है ये संभवतः मोर को कहते होंगे। किसको कहते हैं तो मोर को। तो ये हाजा पक्षी के रूप में स्पष्टकरण स्पष्ट नहीं किया गया, संभावना व्यक्त किया गया है कि ये किसको कहते हैं मोर को। राजप्रसाद का मतलब समझ में आ गया आपको, राजमहल, चलिए ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे कि मेसोपोटामियाई के लेखों में ये बात स्पष्ट किया गया है कि मेलुहा को ये लोग नाविकों का देश मानते हैं। याद रखेंगे मेलुहा क्या है, तो मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए मेसोपोटामियाई के लेखों में मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसी मेसोपोटामियाई लेखों की बात कर ले तो यहाँ पर मेलुहा के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मेलुहा जो है वो नाविकों का देश है। किसका देश है? नाविकों का देश है। अब कहेंगे कि ये कैसे कह सकते हैं, तो चलिए हम आपको एक यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे NCERT से ही ये पिक्चर्स को लिए हैं, थोड़ा बारीकी से देखेंगे यहाँ पे। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये एक नाव है और ये ध्यान में ये एक मुहर है और इस मुहर के बारे में अगर हम बात कर ले थोड़ी सी तो ये मुहर में आपको नाव का एक चित्र दिख रहा होगा। जनाब थोड़ा सा गौर से देखेंगे यहाँ पे एक नाव का चित्र जो है वो नीचे दिख रहा होगा। और इसी नाव में अगर बात कर ले तो पिछले दिन हम आपको बताए थे कि यहाँ से ये लोग क्या करते, अब यहाँ देखेंगे ये लोग जो है यहाँ से ऐसे जाते थे। नाव कितने बड़े होते थे अंदाज लगाने के लिए हम आपको बताए थे कि एक बड़ा सा नाव होता है और इस नाव के बीच में जो है एकदम मड़ई मचान जैसा विश्राम करने के लिए बनाया गया है और तीन आदमी इधर साइड से और तीन आदमी उस साइड से, तो इधर छह आदमी और इधर भी तीन एक साइड और तीन उस साइड छह, तो छह और छह बारह आदमी मिल कर करके और एक गो नाव को खेप रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नाव कितने बड़े होंगे और इस तरह के नाव का जो चित्र है वो एक मुहरे में इसको मिलता है। तो ये स्पष्ट होता है कि हम लोग जो है नाव से शायद इन लोग यहाँ जाते रहे होंगे और काफी सारे नाव से हमारे यहाँ के व्यापारी लोग मेसोपोटामिया जाते होंगे। तो ये लोग हमारे देश के बारे में क्या सोच रहे हैं कि मेलुहा जो देश है वो नाविकों का देश है। किसका देश है? नाविकों का। चलिए अब दो चित्र हम आपको बता दें यहाँ पे, एक चित्र 1.18 आप बुक्स में देख सकते हैं NCERT होगा तो, अगर नाभि है तो यहाँ पे आप देखेंगे कहते हैं ये जो चित्र है सर ये बेलनाकार है, ये जो मुहर आप देख रहे हैं ये मुहर कैसा है तो बेलनाकार है। और ये बेलनाकार मुहर मिला कहाँ से है तो ये बेलनाकार मुहर जो है ये मेसोपोटामिया के है। बात को ध्यान रखेंगे ये बेलनाकार मुहर कहाँ का है तो मेसोपोटामिया का। अब थोड़ी हमारी बातों को आप बढ़िया से समझ लेंगे, इस मुहर को जनाब थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे इसमें आपको बेलनाकार मुहर पे एक कुबड़दार वृषभ यानी बैल का साक्ष्य आपको मिलेगा। और जब बात आता है सर बैल का तो ये ध्यान में रखेंगे कि बैल के बारे में इतना बात आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में कुबड़दार बैल होता था। बैल की चर्चा हम लोग कृषि और प्रौद्योगिकी के में भी हम लोग चर्चा कर ली है ना, तो अब ये ध्यान से सुनेंगे ये लोग कुबड़दार बैल की पूजा भी करते थे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक मुहर में देखिए मुहर मिला है कहाँ, मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया में मुहर है, मुहरे पे बैल है, लेकिन ये बैल किस सभ्यता से संबंधित है तो ये बैल जो है वो सिंधु सभ्यता का प्रतीक है, समझ रहे बात ना, तो ये स्पष्ट है। तो पहले चित्र आप समझ गए, रूप कैसा है तो बेलनाकार है, कहां से मिला है मेसोपोटामिया से। फिर एक चित्र आपको इमेज दिया गया है 1.19,
ये याद रखेंगे, ये जो मिला है आपका बहरीन से मिला है, कहां से मिला है? बहरीन। तो बहरीन के बारे में अभी हम आपको बताए थे, शायद दिलमुन को ही कहते हैं, बहरीन द्वीप जो है वो दिलमुन को कहते हैं। तो ये बहरीन द्वीप यहां पे जो भाग आप देख रहे हैं, यहां से एक गोलाकार जो है वो मुहर मिला है। कहते हैं कि ये फारस के साइड में ही ऐसे केवल मुहरे मिले हैं। आप इस तरह से देख पा सकते हैं कि ये जो मुहरे आपको दिख रहे हैं ये गोलाकार मुहरे हैं, और ऐसे मुहरे जो है ना वो पूरे हड़प्पा में कहीं नहीं मिले। ध्यान रखेंगे, गोलाकार मुहरे पूरे हड़प्पा में कहीं नहीं मिले हैं। ये कहां से प्राप्त होते थे? तो ये फारस के साइड से। देखिए, दिलचस्प वाली बातें ये है, अच्छी बातें ये आती है कि मुहर भले ही फारस के साइड से मिला है, लेकिन इस मुहरे में आप गौर से देखेंगे, इसके ऊपर साइड में जो लिपि आपको दिख रहा है, ये लिपि अपना ही लिपि है, ये लिपि हड़प्पा का लिपि है। कहां का लिपि है? हड़प्पा का लिपि है। तो इतना बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि मुहरे भले ही दूसरे का है लेकिन लिपि अपना है। बताइए, हम लोग संपर्क साझा करते होंगे कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, इसीलिए तो एनसीईआरटी का सा टाइटल हम लोग पढ़ रहे हैं, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी केवल हम लोग अपने ही लोकल लोगों से या हड़प्पा वाले मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो वाला लुथल या चंद्रो या कालीबंगा या धोलावीरा से ही खाली साझा नहीं करते थे संपर्क। ये लोग दूर दराज दूसरे सभ्यता से भी संपर्क रखते थे। इन तमाम चीजों के एविडेंसों के आधार पर हम इस चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान में रखेंगे, एक और आपके बुक्स में दिया हुआ है, यहां पे एक पट्टी दिया हुआ होगा और ये सूचना पट्ट इसको हम कहते हैं। ये याद रखेंगे, इसमें 9 अक्षर है। कितने अक्षर है? 9 अक्षर है। और ये मिला कहां से? आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन आप उसको बगल में लिख लेंगे, ये धोलावीरा से पाया गया है जी। कहां से पाया गया है? धोलावीरा से। अच्छा, धोलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन में आप इतना समझ पाए, और देखिएगा अगर कहीं आपको कंफ्यूजन होगा तो कोशिश करेंगे कि दोबारा वीडियो को प्ले करेंगे, वहां से आराम से समझ लीजिएगा पहले वीडियो लेक्चर्स को, उसके बाद आप बुक्स उठाइए और बुक्स को समझेंगे और फिर नोट्स बनाइए। मजा आ जाएगा जब ऐसे आप पढ़ते रहेंगे निरंतर, तो फिर किताबें आपसे बातें करेंगे, किताबें आपसे बोलेंगे, और किताब अगर आपका साथी बन जाएगा दुनिया में, इससे सच्चा कोई साथी हो ही नहीं सकता है। आपके अपने फ्रेंड होंगे, वो अगर आपसे दोस्ती करेंगे, रहते रहते आपके कमजोरी को जान जाएंगे, कुछ दिनों के बाद अपना ही दोस्त आपको आप पे अटैक कर सकता है, वार कर सकता है, या आपके कमजोरी पे वार कर सकता है। आप आगे बढ़ेंगे, ज्यादा दोस्तियाना टूटेगा, उसको खराब लगेगा, और वही आपके आलोचना भी करेगा। तो ऐसे आदमी से दोस्ती करिए कि जो आपको केवल बढ़ाए, कोई कभी भी कितना भी उसके साथ हम समय बिता ले तो वो हमारी आलोचना करे ही नहीं। हम कितनों कमजोरी उसके अपने सामने उसके आगे रख लेंगे, लेकिन वो नहीं। अब किताब आपकी थोड़ी ना आलोचना करेगी। तो चलिए, हमारा तो ये काम ही है, हम तो डेली बकवास करते हैं, आपको अगर फायदा लगता होगा तो ठीक है, न तो ये वो चीज़ तो हम आपसे कहेंगे कि लाइक आज जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।